दोस्तों देश के डेवलप होते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक और अचीवमेंट करते हुए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया कारनामा कर दिखाया है। 22,000 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत टाटा पहली बार देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है और टाटा इसी के साथ इस देश की पहली कंपनी बन जाएगा जो भारत में मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट्स डिजाइन करती हो। लेकिन इसमें एक यूरोपियन कंपनी भी है जिसके बिना टाटा ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज भी भारत की कोई कंपनी ऐसे किसी तरह के एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो आखिर टाटा किस यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर ये काम करने जा रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि गुजरात के वडोदरा में एक प्लांट में ये C-295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में टाटा और एयरबस मिलकर वायुसेना के लिए कुल 40 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें भी इसी प्लांट में तैयार करने की तैयारी है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ की एक डील की थी। इस परियोजना के तहत इंडियन एयरफोर्स को 56 C-295 एयरबस प्लेन मिलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार पहले भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW विमान खरीदने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एवरो 848 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसे अपनी पहली उड़ान साल 1961 में भरी थी। ऐसे में 60 साल पुरानी इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह केंद्र सरकार नया C-295 के लिए करार किए है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। नए करार के तहत स्पेन से 48 माह के अंदर 16 परिवहन विमान भारत आएगा। 60 के दशक में पहला यूरोपीय फर्म से रक्षा अनुबंध जिस पर केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ है, जबकि बाकी के 40 विमानों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में 10 सालों के अंदर टाटा कंसोर्टियम करेगी। इस पर भी केंद्र सरकार और टाटा समूह के बीच समझौता हुआ था। इसी समझौते के बाद से टाटा देश की पहली प्राइवेट कंपनी हो गई थी जो मेक इन इंडिया के तहत देश में मिलिट्री प्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। हालांकि टाटा के साथ ये बातचीत डील से 6 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स और राफेल डील्स के बाद ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी। अब इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको ये समझना है कि देश में बनने वाली सभी 56 प्लेन भारत के खुद के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ डेवलप किए जाएंगे और ये प्रोजेक्ट भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगी, जिसमें देश भर में फैले कई MSME विमान के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्पेन से 16 विमानों की डिलीवरी के पूरा होने से पहले C-295 MW विमान के लिए डी लेवल सर्विसिंग सुविधा भारत में डेवलप होने वाली है और उम्मीद है ये सुविधा अलग अलग रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल मेंटेनेंस हब के रूप में काम करेगी। इसीलिए टाटा को मिले इस प्रोजेक्ट का फायदा स्वदेशी कंपनियों को भी मिलेगा, क्योंकि टाटा विमानों के पार्ट्स डिवाइस के साथ ही साथ बाकी के जरूरी सामान भी भारत की कंपनियों से खरीदेगी। सब असेंबली लाइन और एरो स्ट्रक्चर के लिए प्रमुख कंपोनेंट असेंबलियां भी भारत में प्रोड्यूस होने वाली है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में एरोस्पेस इकोसिस्टम में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भारत जो अब तक एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन से बचता था या कहले नहीं बनाता था, उसे इस सेक्टर में भी प्रोडक्शन को सेट अप करने के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर एक बात ये भी जरूरी है कि टाटा अगर एयरबस के साथ काम करती है तो उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एविएशन कंपनी के साथ इस सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो आगे भारत में कमर्शियल प्लेन बनाने के लिए भी रास्ता बना सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में एरोप्लेन बनाने के नाम पर सिर्फ 2 ही कंपनियां इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली को बनाए हुए हैं, एक अमेरिका की बोइंग एविएशन और दूसरी यूरोप की एयरबस। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक किसी भी तीसरी कंपनी को इन दोनों कंपनियों ने मार्केट में ग्रो ही नहीं करने दिया। अब अगर आपको उस एयरक्राफ्ट के बारे में बताएं जिसकी इतनी चर्चा है, तो उसे भी आप समझ लीजिए। C-295
कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। एयरबस के अनुसार किसी वीआईपी शख्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए उसे वाटर बॉम्बर, ये एक एयर टैंकर यानी हवा में फ्यूल भरने के साथ ही कई ऑफ फॉर्म में भी बदला जा सकता है, यानी कि एक मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। इसके विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि ये प्लेन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स और यहाँ तक कि बिना तैयार रनवे से भी काम कर सकेगा। इसमें क्विक रेस्पॉन्स और सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। ये वही दरवाजा जो प्लेन के पीछे लगा हुआ होता है और बड़ी आसानी से ये सैनिकों के एक साथ चढ़ने और उतरने के काम आता है। ये विमान कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। गन लगाए जाने पर ये क्लोज एयर सपोर्ट भी दे सकता है। इस पर अवॉक सिस्टम भी लगाया जा सकता है। विमान की लंबाई 80.2 फीट और पंखों का फैलाव 84.7 फीट है। इसकी ऊंचाई 28.2 फीट है। इसमें दो PW127G टर्बो प्रॉप इंजन लगा है। हर इंजन 2645 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। विमान की अधिकतम रफ्तार 579 किलोमीटर पर आर है। ये विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसका रेंज 5,311 किलोमीटर है। C295M एक ट्विन टर्बो प्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। नया C295 एयरक्राफ्ट पिछले CN235 ट्रांसपोर्टर का एक अपग्रेड वर्जन है जिसमें एक स्पेसिफिक हाई विंग और रियर लोडर डिजाइन है। इसकी पेलोड क्षमता 10,000 किलोग्राम तक है, जिसका मतलब है कि विमान लगभग 10 टन का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। बात अगर कैपेसिटी की करें तो विमान में 70 सैनिक ट्रूप्स, 50 पैरा ट्रूप्स और 5 पैलेट की भार क्षमता है, यानी इतने लोग अपने सारे हथियार के साथ इस एयरक्राफ्ट में एक साथ उड़ान भर सकते हैं। C295 पूरी तरह से सर्टिफाइड है और रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे तापमान तक, सभी मौसमों में युद्ध अभियानों में रेगुलरली से दिन रात चलाया जा सकता है। C295 में डिजिटल एवियोनिक्स के साथ एक ग्लास कॉकपिट है जिसमें 4 बड़े एक्टिव मैट्रिस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले शामिल है जो नाइट विजन गूगल्स फ्रेंडली है, यानी कि आप इससे रात में भी देख सकते हैं। खैर, ये तो हो गई इस विमान से जुड़ी सारी जानकारी, लेकिन एक और खबर है जो इस प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू होते ही आग की तरह फैल रही है, और वो है कि पहले ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होने वाला था। सब कुछ हो गया लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने ये कहते हुए प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिया कि कंपनी को महाराष्ट्र में वो एनवायरमेंट नहीं मिला जो चाहिए था। इस तरह से 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से जो फायदा महाराष्ट्र को होता वो अब सीधे तौर पर गुजरात को होगा। अब चूंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी सपोर्ट की पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को 1.5 महीने में दूसरा झटका लगा। इससे पहले पिछले महीने भी महाराष्ट्र सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया था, जिसमें भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम एक ताइवान की कंपनी के साथ शुरू हुआ। इसी वजह से इस मुद्दे पर राज्य सरकार को विपक्ष के लोगों का प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जिससे दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में जो रोजगार के अवसर पैदा होने के नाम पर सरकार सत्ता में आई थी वो अब सत्ता में आने के बाद चुप हो गई है। अब देखना ये होगा क्या इस प्रोजेक्ट के दम पर गुजरात चुनाव में बीजेपी कोई बड़ा अंतर बना पाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में डेवलपमेंट हो पाएगा या सिर्फ ये इकलौता प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।